नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बीनूज। आपको बता दें कि आज सलेमपुर विधानसभा में 24 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन है, जिसको लेकर सलेमपुर में लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जन विश्वास यात्रा के तहत यहाँ पर अपार भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि देख सकते हैं यहाँ पर हेलीपैड की तैयारी की जा रही है। पहले से ही यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम तैयारी की जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कायम रह सके। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एक बीजेपी के नेता हैं, उनसे बात करेंगे आखिर यहाँ पर किस तरह की तैयारी हो रही है और यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं सलेमपुर के बीजेपी नेता और इनसे बात करेंगे कि आखिर इस यहाँ पर किस तरह की तैयारी हो रही है और 2022 को लेकर यहाँ की जनता की मूड क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है जन विश्वास यात्रा को लेकर के। आम जनता में एक उत्साह है और 2022 के जो लक्ष्य रखा गया है, पूर्ण बहुमत की सरकार 350 के पार, वह हम लोग उसको पूरा करेंगे और यहाँ की आम जनता, सलेमपुर की देवतुल्य जनता इस पार करेगी। सर, यहाँ पर सलेमपुर में जो हेलीपैड बने, तमाम तैयारियाँ हो रही हैं, ये कब तक तैयारियाँ फाइनल हो जाएंगी? कल तक फाइनल हो जाएगा, सारी तैयारियाँ कल तक फाइनल है और भीड़ आने की, लाखों भीड़ आने की संभावना है। या हम लोग अपने काम के बल पर यह विश्वास करते हैं। ये बताइए, जो सलेमपुर विधानसभा है, यहाँ पर हमेशा बीजेपी की ही दबदबा रही, इस बार आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? बिल्कुल बीजेपी की दबदबा रहेगी। यहाँ के लोकप्रिय सांसद, हम लोगों के गार्जियन रविंद्र कुशवाहा जी जैसे, उनके पिताजी की धरती यहाँ पर, तपस्वी धरती पर रहे, एक लंबे समय से उनका कार्यकाल रहा है, इसलिए यहाँ के लोग विश्वास करते हैं और खरा उतरने की उनका परिवार भी कोशिश करता है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री होने के नाते मैं यहाँ के आम जनता से मैं मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ की जनता सरकार के कार्यों से संतुष्ट है, इसलिए जनसलाभ उमड़ेगा। आपको यहाँ से सलेमपुर से अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी चुना जाता है तो क्या आप इस चुनाव मैदान में किस तरह जाएंगे? अगर जो भारतीय जनता पार्टी अगर जो इस तरह का अवसर देती है तो मैं बखूबी उसको निभाने की कोशिश करूँगा। आम जन का जो समस्या है, हमारे सरकार के द्वारा जो कुछ बच गया होगा उसको उसमें जोड़ते हुए उसको अधिक से अधिक पूरा करके और एक सार्थक कदम उठाएंगे। जी, अभी तक सलेमपुर में कौन सी समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाई है? कुछ सड़कें जो टूट गई थी वही है, जबकि इस समय मैं घूम करके आ रहा हूँ रैली के माध्यम से, तो जगह जगह वो गड्ढा को भरा जा रहा है। हमको लग रहा है कि आज कल में वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, उन्होंने कहा कि जो समस्या अभी बच गए हैं उस बार उसको पूरा किया जाएगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ सलेमपुर के सतपाल पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर देश के गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आगमन होना है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। वहीं यहाँ पर बैरिकेडिंग की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार सके, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर देश के गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। वही हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सी से लेकर सभी एक एक बैरिकेडिंग की जा रही है और बी न्यूज की टीम यहाँ पर जीरो ग्राउंड से आपको दिखा रही है। देवरिया जनपद के सलेमपुर विधानसभा में यहाँ पर गृह मंत्री का आगमन हुआ है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारी की जा रही है। वहीं यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, वहीं वह लोग जन विश्वास यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। वहाँ पर काफ़ी तरह का व्यवस्था की जाए, वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग उत्साही हैं देश के गृह मंत्री को देखने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए, जिसको लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं स्थानीय नेताओं का कहना है कि इस बार सलेमपुर में भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी विधायक बनेगा, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर विधायक सलेमपुर का रहा, सलेमपुर के ही प्रतिनिधि विधायक रहे। फिलहाल यहाँ के सांसद भी बीजेपी की हैं, जो रविंदर कुशवाहा हैं, और यहाँ के विधायक काली प्रसाद हैं, जो यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं और फिर एक बार यहाँ पर अमित शाह आने। देखने वाला बात ये होगी कि अब 2022 चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या इसका असर पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।